आज मैं मूली और धनिया पत्ता की चटनी बनाने के लिए बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है 2 मूली, मूली का छिलका हटा दिया है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, धनिया पत्ता। तो मूली को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे पहले। मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम धनिया पत्ता डालेंगे, मूली भी डाल देंगे। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च और इसमें हम इमली का पानी डालेंगे। इसमें 2 चम्मच इमली का पानी डालेंगे, उसमें और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, स्वाद के अनुसार नमक। जार का ढक्कन बंद करके इसे हम पीस लेंगे। तो ये देखिए चटनी पीस के तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल इसी तरीके से चटनी को बिल्कुल फाइन पीसना है। अब इसे हमें कटोरी में निकाल लेंगे। तो इसे आप रोटी, दाल, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। मूली की चटनी, मूली का सीजन चल रहा है तो आप भी मूली की चटनी बनाएं, बहुत ही लाजवाब बनेगी।